भाजपा नेता अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। मुरादाबाद के थाना मजोला इलाके के दिल्ली रोड स्थित पार्षद नाथ हाउसिंग सोसाइटी में बीते 10 अगस्त की शाम चहलकदमी कर रहे भाजपा नेता अनुज चौधरी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। भाजपा किसान मोर्चे से जुड़े और भाजपा के कद्दावर नेताओं और मंत्रियों के करीबी रहे अनुज चौधरी की हत्या की खबर के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। मुरादाबाद पुलिस के लिए इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ना एक चुनौती बन गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद दो आरोपियों अनिकेत और निराश पाला को 16 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि तीन हत्या आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी, जिन्हें आज मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मुरादाबाद से सचिन कुमार की रिपोर्ट। सर, सुबह मुठभेड़ हुई, कौन लोग थे और क्या रहा पूरा? देखिए, 10 तारीख को थाना मजोला अंतर्गत जो पासनाथ जो सोसाइटी है वहाँ पे है, एक घटना हुई थी जिसमें तीन अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक अनुज नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और उसका इलाज के दौरान में उनका मृत्यु हो गई थी। इसी में दो लोगों को पहले जेल भेजा गया था और इस घटना का नामण किया गया था और तीन लोगों का नाम प्रकाश में आया था, शूटर जो थे उसमें एक सूर्यकांत उर्फ सानू था, दूसरा आकाश उर्फ गटुआ और एक गोलू सुशील उर्फ गोलू, ये तीन लोगों के नाम प्रकाश में आए थे और इसी पे लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही थी। आज सुबह सूचना मिली थी कांट थाना क्षेत्र की तरफ से, ये लोग जो सरेंडर करने के लिए मुरादाबाद की तरफ आ रहे थे, इसी पे सूचना पर थाना प्रभारी सिविल लाइन थाना प्रभारी मंजुला के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें अगवानपुर एरिया में इनको ट्रेस किया गया और वहाँ पर जब इनको घेराबंदी की गई तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा जो दीवार के पास छिपके और उसमें फायर किया गया, जिसमें उसको फिर बाद में जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसका नाम जो सुशील उर्फ गोलू है। उसके बाद में दो लोग वहाँ से जो मोटरसाइकिल पर, जो दूसरी मोटरसाइकिल पर थी, ये लोग वहाँ से भागने का इन्होंने प्रयास किया, जिनको आगे थाना मजोला के अंतर्गत इनको फिर ट्रैक करके और फिर इनको घेराबंदी की गई और इनके द्वारा भी पुलिस के ऊपर फायरिंग का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे जो एक आदमी उसको हल्की चोट भी आई है और ये दोनों लोगों को भी वहाँ पे इनको गोली लगी और उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सूर्यकांत उर्फ सानू है और दूसरे का नाम आकाश उर्फ गटुआ है। तीनों लोगों को यहाँ पे अभी जिला अस्पताल के अंतर्गत लाया गया है और इनका इलाज चल रहा है। बाकी हमारे जो दो सिपाही, जो हेड कॉन्स्टेबल है, उनको भी इसमें चोट लगी है, उनका भी यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है।